प्रेज लॉर्ड। दोस्तों आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक बहन ने बताया कि उन्हें स्किन इन्फेक्शन हो गया था जिस कारण वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। फिर उन्होंने हमारे साथ रोज सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होना शुरू किया और अपनी इस बीमारी के लिए प्रार्थना की। अब उन्होंने बताया कि वो इस स्किन इन्फेक्शन से पूर्ण रूप से चंगे हो गए हैं। अब वो खुश और आनंदित हैं। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आप भी रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होइए। अपनी परेशानियों को प्रभु यीशु मसीह से कहिए, प्रभु आपको छुटकारा देंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ न्याय की किताब उसका 16:28 से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। तब शिमशोन ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे प्रभु यहोवा मेरी सुधि ले, हे परमेश्वर अब की बार मुझे बल दे कि मैं फिलिस्तियों से अपनी दोनों आंखों का एक ही पलटा लूं। आमीन। दोस्तों आज शाम में परमेश्वर का वचन कहता है कि शिमशोन ने परमेश्वर से प्रार्थना की कि हे प्रभु मुझे इस बार सामर्थ्य से भर दे ताकि मैं फिलिस्तियों से पलटा ले सकूं, बदला ले सकूं। मेरे भाई यहां पर कुछ ऐसा हुआ, एक बार शिमशोन दलीला नामक एक स्त्री के पास गया और उस दलीला ने फिलिस्तियों के बहकावे में आकर शिमशोन से उसकी सामर्थ्य का राज पूछा और शिमशोन ने उसे अपनी सामर्थ्य का, अपनी ताकत का राज बता दिया कि मेरी सामर्थ्य मेरे बालों पर है। और जब शिमशोन सो गया तो दलीला ने उसके बाल काट दिए। फिर उसने फिलिस्तियों को बुलाया, फिलिस्तियों ने शिमशोन को पकड़ लिया और उसकी दोनों आंखें फोड़ दी और उसे बंदी गृह में डाल दिया गया। शिमशोन अब बंदी गृह में है। एक बार ऐसा हुआ कि जब फिलिस्तियों ने एक सभा बिठाई और एक भवन में वो सारे लोग एकत्रित हुए, लगभग 3,000 से ज्यादा लोग वहां पर एकत्रित हुए और उन्होंने शिमशोन को वहां पर बुलवाया ताकि उसका मजाक बना सकें। और जब वो शिमशोन को उन्होंने बुलाया, शिमशोन को उन्होंने रस्सियों से बांध दिया, तब वहां पर कुछ ऐसा हुआ, जब वो उसका मजाक बना रहे थे तब शिमशोन ने परमेश्वर से फिर से प्रार्थना की क्योंकि उसकी सामर्थ्य चली गई थी जब उसके बाल काट दिए गए थे। तब वो नॉर्मल इंसान हो गया था, उसके अंदर कोई ताकत नहीं रह गई थी। तब शिमशोन ने यहां पर प्रार्थना की कि हे परमेश्वर तू मुझे एक बार फिर से उस ताकत से भर दे, उस सामर्थ्य से भर दे, उस बल से भर दे। और जब शिमशोन ने ऐसी प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उसी समय उसे फिर से बल और शक्ति से भर दिया, उस सामर्थ्य से भर दिया। और उस सामर्थ्य से जब शिमशोन भर गया तो उसने दोनों रस्सियों को खींचा और वो रस्सियां दोनों पिलरों पर बंधी हुई थी जिन पिलरों से पूरा भवन टिका हुआ था। और जब उसने उनको खींचा तो वो पिलर गिर पड़े और पूरा भवन वहां पर गिर पड़ा और उस भवन के नीचे दबकर 3,000 से ज्यादा फिलिस्ती मारे गए और शिमशोन भी वहीं पर मर गया। मेरे प्रियो, हम यहां पर देखते हैं शिमशोन एक बार असफल हो गया कि उसने अपनी सामर्थ का राज दलीला को बता दिया। यदि मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो शिमशोन पाप में गिर गया, परंतु जब उसने परमेश्वर से प्रार्थना की तो परमेश्वर ने फिर से उसे अपनी सामर्थ से भर दिया। एक बार तो उसके जीवन से सामर्थ चली गई थी, एक बार तो वो सामर्थ उसके जीवन से चली गई थी, परंतु फिर से जब उसने प्रार्थना की, जब उसने परमेश्वर से फिर से मांगा तो परमेश्वर ने उसे अपनी सामर्थ से भर दिया और ऐसी सामर्थ से उसके द्वारा उसने असंभव को संभव कर दिया। एक साथ उसने 3,000 से ज्यादा फिलिस्तियों को मार गिराया। मेरे प्रियो, जिस काम के लिए परमेश्वर ने शिमशोन को चुना था वो काम उसने पूरा कर दिया परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा। आसाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा, हो सकता है आपके जीवन में भी ऐसा हुआ हो, जब आप पाप में गिर गए हों या फिर आप परमेश्वर के रास्ते से भटक गए हों या फिर आपको ऐसा महसूस होता हो कि जैसे आप पवित्र आत्मा के सामर्थ आपके अंदर न हो, अब आप असमर्थ हो, आपको ऐसा महसूस होता हो कि आप निर्बल हो गए हो और आप वो नहीं कर पा रहे हो जो आप पहले किया करते थे या फिर जिस सामर्थ्य के द्वारा, जो सामर्थ्य से आप पहले भरे हुए थे उस सामर्थ्य से आप अब नहीं भरे हुए, ये हो सकता है आपको ऐसा महसूस होता हो। तो आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप भी ठीक शिमशोन की तरह परमेश्वर से प्रार्थना करें और जब आप प्रभु यीशु मसीह से इस ऐसी प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर दे, प्रभु फिर से मुझे वो ताजा अभिषेक दे, वो नया
नया अभिषेक दे और उससे मुझे भर दे। जब आप इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपको भी सिमसोन की तरह अपनी सामर्थ्य से, अपने उस बल से, उस पवित्र आत्मा से भर देंगे। फिर आप वही कामों को दोबारा करने लगोगे, फिर आप परमेश्वर की सामर्थ्य में चलने लगोगे, फिर पवित्र आत्मा आपके अंदर कार्य करने लगेगा। इसलिए मेरे प्रियो, आज शाम में मैं कहूंगा आपसे कि आप जरूर से फिर से रिस्टोर होने के लिए प्रार्थना करें, फिर से सामर्थ्य होने के लिए प्रार्थना करें, फिर से उस अभिषेक के लिए प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के लिए फिर से आप प्रार्थना करें। देखना परमेश्वर आपको फिर से फिल करेगा, फिर से आपको उस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर देगा। हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो परमेश्वर के पीछे पवित्रताई से न चल सके और वो असफल हो गए, वो गिर गए। परंतु वास्तव में मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप फिर से उठें, फिर से सिमसोन की तरह परमेश्वर से प्रार्थना करें, वो आपको अपनी सामर्थ्य से भर देगा। और जब परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ्य से भरेगा तो आपके जीवन में असंभव बातें संभव हो जाएंगी। फिर आपके लिए कोई भी बात असंभव न रहेगी। परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्मों को आप फिर अपने जीवन में देखोगे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप भी हमारे साथ मिलकर इस प्रार्थना में शामिल होइए और प्रार्थना करें और अन्य लोगों के लिए भी प्रार्थना करें। आइए मिलकर दुआ करें। धन्यवाद 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 करते हैं राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमारे पवित्र राजा प्रभु यीशु। हम आपकी स्तुति, आपकी महिमा और आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु। आज इस शाम के समय पर परमेश्वर प्रभु हम आपकी हुजूरी में आते हैं, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु जी, इस संगति को करने के लिए प्रभु जो आपने हमें आज की शाम में दी है। आपके सम्मुख हम अपने आप को शून्य और दीन और नम्र करते हैं प्रभु, और कहते हैं अपनी आत्मा से हमें भर दीजिए प्रभु जी, अपनी पवित्र उपस्थिति से हमें दीजिए प्रभु। आज की शाम में हर एक जन आपकी उपस्थिति से भर जाए प्रभु, अपनी आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर जाए मेरे प्रभु जी। धन्यवाद करते कि दिन भर में सुरक्षित रखा प्रभु, ये समय दिया प्रभु कि दिन भर की तमाम बातों के लिए हम पिता आपका धन्यवाद करें। सच में मेरे परमेश्वर, हम घटे और आप हमें बढ़ते चले जाइए प्रभु जी। प्रभु ये जीवन आपने हमें दिया है आपकी महिमा के लिए प्रभु। सच में प्रभु आज की शाम में हम धन्यवादी हैं प्रभु यीशु मसीह, अपने प्राणों के लिए, अपने जीवनों के लिए प्रभु, जिसे आपने सुरक्षित रखा प्रभु। यदि जाने अनजाने में हमसे कोई भी गुनाह गलती हुई है पिता, तो आज की शाम में आप हमारे गुनाहों को माफ करें और हमें क्षमा करें और दोबारा ये गलती हमारे जीवनों में ना दोहराई जाए पिता। आज के शाम में प्रभु धन्यवाद देते हैं वचन के लिए प्रभु, इस वचन के द्वारा प्रभु जो आपने हमसे बातचीत किया, हमें उत्साहित किया, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हमारी आत्मा का भोजन प्रभु आपने हमें दिया, हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते प्रभु यदि आज की शाम में परमेश्वर प्रभु आपके बेटे बेटियां ऐसी परिस्थिति में है जब हर तरफ से परमेश्वर इनके जीवन में प्रॉब्लम्स है पिता प्रभु, असफलताएं है पिता परमेश्वर, और ये प्रभु अपने ही कामों के कारण पाप में पड़े हैं पिता परमेश्वर, तो आपसे दुआ है कि आप इन्हें पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य दें कि इन सारी गलत बातों से ये बाहर आ सके मेरे परमेश्वर। मेरे प्रभु यदि ये व्यभिचार में है, गलत बातों में है, पाप में है मेरे पिता परमेश्वर, तो प्रभु उस पाप से आप इन्हें फेर लाइए प्रभु जी, और प्रभु व्यभिचार से फेर लाइए, बुरी लालसाओं से फेर लाइए परमेश्वर, और इनके जीवन को पवित्र और शुद्ध बनाए मेरे परमेश्वर प्रभु जी। मेरे खुदावन यदि आज ये बलहीन है पिता, तो आप इन्हें अपने बल से भर दीजिए पिता। यदि अपने जीवनों में अपने ही कारण असफल हुए हैं पिता, तो प्रभु उस असफलता को इनके जीवन से आप दूर करें पिता, इनके आंसुओं को पोंछे और इनका पलटा आप ले मेरे परमेश्वर प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप इनके जीवन को रिस्टोर करें पिता परमेश्वर, रिस्टोरेशन को आप इनके जीवन में लेकर आए प्रभु। जो प्रभु बातें बिगड़ गई हैं प्रभु, जो बातें बिखरी हुई हैं प्रभु जी, जो रिश्ते टूटे हुए हैं प्रभु, होने दे, उन सारी बातों को रिस्टोर होने में आप सहायता और मदद करें। इन बातों को रिस्टोर करने में आप इन्हें अपनी पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य और बल से भर दीजिए कि प्रभु वो बातें इनके जीवन में रिस्टोर हो जाएं यीशु के नाम से। मेरे प्रभु आज की शाम में प्रभु आप इन्हें अपने पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर दीजिए। यदि आज इन्हें लगता है कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं, पवित्र आत्मा के कार्य नहीं, हम अपने ही द्वारा पाप में गिर गए प्रभु, आज के शाम में आप इन्हें अपने अभिषेक से भर दीजिए प्रभु। जो कार्य ये पहले तुझ में होकर किया करते थे, वही कार्य अब भी प्रभु तेरे अभिषेक से भर कर परिपूर्ण होकर ये कर सके मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु जिन्होंने प्रभु
आपके पीछे चलना प्रभु यीशु मसीह छोड़ दिया था प्रभु, उन्हें रिस्टोर करें मेरे प्रभु, उन्हें प्रभु जी फिर से आप फेर लाइए प्रभु, और आपके पीछे चलने में सहायता और मदद करें, आपकी आज्ञाओं को मानने में सहायता और मदद करें प्रभु, उनके जीवन को जो बिखरा हुआ टूटा हुआ है प्रभु उसे सवारे और बनाए प्रभु, और वो आपके पीछे चल सके और अपने जीवन से आपको महिमा दे सके मेरे प्रभु। हर एक जन को अपने अभिषेक से, ताजे अभिषेक से भर दीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते आज की शाम में मेरे प्रभु जो बीमार अस्वस्थ हैं, अपनी बीमारियों में पड़े हैं पिता, यीशु के नाम से प्रभु हम कहते हैं हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार का दर्द, हर प्रकार की परेशानी, बेचैनी, घबराहट इनके जीवन से निकल कर चली जाए मसीह यीशु के नाम से प्रभु। हम नहीं जानते आज ये किस हालात में है, परंतु मेरे अब्बा आप सब कुछ जानते हैं, इनकी बीमारियों को जानते हैं, इनके हालातों को जानते हैं आप, इनकी बीमारियों को जो इनके शरीर को दुर्बल, कमजोर और मृत्यु की ओर ले जाती है, यीशु के नाम से उस बीमारी को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, डिस्ट्रॉय होने की आज्ञा देते हैं, उस दर्द को हम नाश होने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से प्रभु। छू लीजिए प्रभु, इन्हें चंगा करें इसी समय, राइट नाउ, हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, एवरी सिकनेस गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आई कमांड ही in the name of Jesus Christ is in this evening Lord, thank you Father, प्रभु यीशु आपके आज की शाम में इन्हें छू कर चंगा करें। धन्यवाद पिता कि तेरे कोड़े खाने से तेरे बेटे और बेटियां चंगे हो गए हैं पिता। धन्यवाद प्रभु जिन्हें प्रभु बुरे सपने आते हैं, गलत विचार आते हैं प्रभु यीशु के नाम से, बुरे सपने और गलत विचार इनके जीवनों से चले जाएं, इन्हें मीठी और सुकून भरी नींद आज की शाम में दें, इनकी चिंताओं को आप दूर करें और ये निश्चिंत होकर अपने बिछौने में सोने पाए प्रभु। आज ये जिस भी विषय को लेकर आपके सम्मुख बैठे हैं पिता, आप इन्हें छूकर प्रभु यीशु मसीह इन्हें प्रभु आपने उपस्थिति से भरे, और पिता ये तुझसे जो प्रार्थना कर रहे, जिसकी दुहाई आपसे दे रहे प्रभु, आप इनके प्रार्थना का उत्तर दे मेरे प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु जी, प्रभु आज की शाम को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन।